हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं महिलाओं में खून की कमी के कुछ कारण और उनके लक्षण। फ्रेंड्स, हमारे देश में 52% लेडीज को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लेडीज को एनीमिया यानी कि खून की कमी की प्रॉब्लम होती ही है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपका सांस फूलता है, आपको कमजोरी फील हो रही है, थकावट फील होती है, या फिर आपके सर में दर्द होता है, या फिर आपके चेहरे का रंग पीला हो गया है? अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण आपको होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे देश में 52% लेडीज को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो 52% लेडीज हैं उनको ये प्रॉब्लम ही है। तो फ्रेंड देखिए, एनीमिया यानी कि खून की कमी क्या होता है? जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो जो बॉडी होती है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थकान और इसके अलावा कमजोरी महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमें इसके क्या क्या कारण होते हैं जो लेडीज में खून की प्रॉब्लम होती है, यानी कि खून कम हो जाता है, यानी कि एनीमिया होता है, तो इसी के बारे में अब मैं बताऊंगी क्या कारण होते हैं जो एनीमिया ज़्यादातर लेडीज़ को होता है। कारण है, देखिए, पहला होता है हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी होती है, ये खून की कमी का कारण है। इसके अलावा नंबर दो, पीरियड्स में ब्लीडिंग का ज़्यादा होने के कारण भी खून में कम की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जब लेडीज़ होती हैं, तीसरा होता है कई लेडीज़ को बच्चेदानी में गांठ होने के कारण भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा नंबर तीन, पेट में कीड़े होने के कारण भी खून की कमी होती है। इसके अलावा नंबर चार, पेट में अल्सर यानी कि अल्सर अगर होता है तब भी खून की कमी होती है। इसके अलावा नंबर पाँच, पेट में कैंसर होने की वजह से भी खून की कमी होती है। इसके अलावा नंबर छः, प्रेग्नेंस जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में एनीमिया देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका जो भ्रूण होता है, उसका भ्रूण विकास कर रहा होता है, जिसकी वजह से खून की कमी यानी कि एनीमिया होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ कारण जिसकी वजह से लेडीज़ में खून की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में, आपको क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे जब आपके अंदर खून की कमी होती है। जैसे कि नंबर एक, सर दर्द होना, ये खून की कमी होने का सिम्टम है। नंबर दो, चेहरे का रंग पीला हो जाना। नंबर तीन, कमजोरी और थकावट फील होना। नंबर चार, नाखूनों का जल्दी टूटना। नंबर पाँच, बालों का झड़ना। नंबर छः, सांस फूलना। नंबर सात, दिल की धड़कन तेज होना। नंबर आठ, पीका की परेशानी, पीका यानी कि आपको मिट्टी खाने का दिल करता है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है खून की कमी अगर आपके अंदर होती है तो ये सभी लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ आती है, अब जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उनमें नॉर्मल ब्लड की लेवल कितना होता है। तो देखिए, नॉर्मल जो ब्लड का लेवल होता है वो 12 से 15.5 तक होता है, 12 से 15.5 ग्राम पर डीएल लेडीज़ में होना चाहिए। 12 तो मिनिमम है, 12 तो होना ही चाहिए। तो अगर इससे कम होता है, यानी कि 7 अगर होता है, तो आप एनीमिक होती हैं, आपके अंदर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने लक्षण बताए हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप अपने घर पर इसका उपचार कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। निदा है।